whatever you want to become in your life. Got the point? So if you see yourself, okay, at one place where you want to be in future, okay, then one day definitely you will become that one personality. Got the point? So it will take but time. You will have to work hard for that, for getting that one position. Got the point na? So I mean to say ki jo banna chahte ho, jo bhi banna chahte ho, whatever you want to become, jo bhi, either you want to become in a job, or a social worker, or a leader, or a politician, a businessman, whatever you want to become in your life, just see yourself. Imagine whatever you want to become. और जब वो बनना जैसे कल्पना करना सीखोगे, इसीलिए आइजैक न्यूटन ने बहुत अच्छे आइंस्टीन ने एक बात कही कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज. कल्पना करना सीखो, अपने आप की कल्पना करो कि मैं अपने आप को इस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, ऐसा देखना चाहता हूँ. जब जैसे आप पोजीशन में अपने आप को देखना चाहते हो, धीरे धीरे वैसे आपके अंदर थॉट आने लगेंगे. आप उस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करोगे, और जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करोगे तो आप धीरे धीरे एक्शन करने लगोगे, एक्शन करोगे, और जब एक्शन करोगे तो धीरे धीरे परिणाम भी आने लगेंगे, और जब परिणाम आने लगेंगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा. वन डे यू विल गेट दैट वन पोजीशन व्हिच यू वांट टू गेट इन योर लाइफ. गॉट द पॉइंट? दीज आर द सीक्वेंस ऑफ गेटिंग सक्सेस. सो ये सब कहां से, ये दिस इज द रूट थिंग, ये सबसे मेन चीज है. और जितने भी लोग हैं, जितने भी एज मेनी पीपल यू सी, दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ, दे हैव अचीव्ड बिकॉज ऑफ ओनली ऑन दिस, दे न्यू अबाउट देयर सेल्फ. खुद के बारे में जानते हैं, समझ में आ रहा? उन्होंने खुद की सुन ली थी कि मुझे करना है, ये बनना है, और बन गए. और बहुत मेहनती लोग होते हैं, मैं बता रहा हूं बेटा, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, भयंकर मेहनती लोग होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं. उनके कार्य जो करते हैं ना, सारे व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, मेहनती भी रहते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं. और मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ऊपर जाते हैं गिरते नहीं, क्योंकि बड़ा प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ा समय लगेगा, बड़ा संघर्ष लगेगा, बड़ा पेशेंस भी चाहिए, हर चीज बड़ी बड़ी चाहिए, तभी तो बड़ा होता है. हम हर कोई बड़ा क्यों नहीं बन पाते, बड़ा क्यों नहीं पा पाते, क्योंकि हमें इतना धैर्य नहीं है, हम इतना बड़ा दे नहीं पाते, इतना बड़ा कर नहीं पाते, इतना बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो बड़ा रिजल्ट भी नहीं पा सकते. समझ में आ रहा है ना? आपको छोटी छोटी सी चीजों के लिए बोला जाता है कि बेटा आपको ये करना है, और अगर छोटी छोटी चीज के लिए तुम जब समय उतना भी नहीं दे पाते, तो फिर सोचो कि कितनी बड़ी चीज प्राप्त कर पाओगे तुम. समझ में आ रहा ना? जितनी बड़ी सक्सेस पाना चाहते हो ना, उतना बड़ा स्ट्रगल भी रहेगा, उतना ही ज्यादा समय भी रहेगा, उतना ही ज्यादा पैसा भी होगा, उतनी ज्यादा मेहनत भी होगी, और उतना ही बड़ा धैर्य होगा. तो ओवरऑल यू विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो बिग. हम इतना सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं, और जब सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं तो उतना बड़ा हम अचीवमेंट नहीं मिल पाता. मतलब जितना बड़ा आपका सेक्रीफाइस होगा, उतना ही बड़ा आपका अचीवमेंट भी होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब यहां बात आती है सेक्रीफाइस की. क्या आप किस चीज के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो? आप व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो तो बस क्या बनोगे? टीवी पे सीरियल देख लोगे, क्या बनोगे? यही सेक्रीफाइस मतलब किस चीज को समय दे रहे हो, जिस चीज के लिए जो भी त्याग कर रहे हो, जो समय दे रहे हो अपना, वही यदि तुम किसी अच्छी बुक्स पे दोगे तो उससे कुछ रिटर्न मिलेगा. वही यदि आप किसी टारगेट के लिए दोगे, उसके लिए सेक्रीफाइस करोगे, तब वो बन जाओगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लाइफ का, एक्शन टू एक्शन. इसकी थ्योरी है भैया? सर ये न्यूटन की थ्योरी है, थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ है ना. न्यूटन का कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ है कि एक्शन टू रिएक्शन, जो पाना चाहते हो वो करना शुरू कर दो. समझ में आ रहा ना? सिंपल इसको मैं अपने इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कंप्यूटर के कीबोर्ड से आप यदि ए दबाओगे तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा? ए. बी दबाओगे तो क्या दिखेगा? बी. सी दबाओगे तो क्या दिखेगा? सी. लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उसके लिए वो काम करना शुरू करो, बन जाओगे. क्लियर है? तो ये सेम एक्शन टू रिएक्शन ही है कि आपकी एक्शन कैसी कैसी रिएक्शन भी होगी.
होगी लेकिन मिलेगा जरूर श्योर। तो क्या है जैसी कमी वैसी कमी एजुसो शेलिरी, इसको कई भाषाओं में बोल सकते हैं। हमारी जैसी कमी वैसी बननी बोलते हैं, कुछ लोग इसे बोलते हैं एक्शन टू रिएक्शन बोलते हैं, कुछ लोग इसे इनपुट आउटपुट के थ्योरी बोलते हैं, सब अलग अलग। लेकिन आप दुनिया के किसी भी महान लोगों के देख लो, उन सब का एग्जाम्पल अलग अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। आइजैक न्यूटन ने इसे एक्शन टू रिएक्शन कहा, हमारे पूर्वजों ने इसको जैसी कमी वैसी बननी कह दिया। टेक्निकल वाला टेक्निकल वाले आए, उन्होंने इसको इनपुट आउटपुट बोल दिया। बात होती वही है, जैसा बोगे वैसा करो, जैसा जैसा बोगे वैसे काटोगे। समझ में आ रहा ना? तो आप क्या बोल रहे हैं जिंदगी में, आप जो बो रहे हो वही आपको फल मिलना है। अब एक बंदे ने अपनी लाइफ में बोया कि भाई उसको प्यून बनना, तो प्यून बन जाएगा, उसने उतनी मेहनत की, उतने समय दिया, उतना दिया, सब कुछ बनेगा। एक ने बोया कि भाई मुझे आईएएस बनना, तो आईएएस बनेगा। एक ने बोया कि मुझे तो फार्मर बनना, फार्मर बन जाएगा। जो इनपुट दिया उसी का आउटपुट आएगा, और जो इनपुट किया उसका आउट 100% उसी का आएगा जिसने 100% ऑनेस्टी के साथ, पूरा टाइमिंग के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया, तभी 100% रिजल्ट आता है। 100% रिजल्ट कभी नहीं आता, उससे कम आएगा। आप लोगों ने पढ़ाई की है, देखा है। तो आप जो बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो करना शुरू करो। दैट इज द एक्शन टू रिएक्शन। अब यहाँ पर एक और चीज है, आपको ये पता होगा कि आप अपनी पॉलिटिशियन देख, आपको ये पता होगा कि आपको अपनी क्वालिटी पता होगा कि ये, लेकिन आगे का समझ में नहीं आया। तो आप देखो आपकी क्वालिटी, जैसे कुछ लोग होंगे तो आपको डेफिनेटली पसंद आ जाएंगे कि तो वो आपके रोल मॉडल होंगे। रोल मॉडल वो होते हैं कि वो भी आपकी क्वालिटी वाले सेम पर्सन, लेकिन वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, वो सक्सेस पे पहुंच गए, और अभी आप उस स्तर पर नहीं पहुंचे। तो वो जो रोल मॉडल है आपके, वो आपको गाइड करेंगे कि उन्होंने उस स्तर पर कैसे पहुंचे। समझ में आ रहा ना? वो कौन होंगे आपके गाइड के रूप में। अब आपके रोल मॉडल हो सकता है कि आपको इतने इजीली अवेलेबल नहीं होता, आप उनके बारे में यूट्यूब के यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से उनसे जानकारी प्राप्त करो, उनसे मिल सकते तो मिलो, उनसे बात कर सकते बात करो, उनसे जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन फेस टू फेस मिल सकते हो, फिजिकली रूप से मिल सकते हो, आप प्राप्त करो। डेफिनेटली वो आपको पॉजिटिव बनाएंगे, डेफिनेटली आपको गाइड भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो क्या करना है, आपके रोल मॉडल वो है जिनके जैसा बनना चाहते हो, वो बन चुके और आप बनना चाहते हो। और हर इंसान का कोई ना कोई रोल मॉडल होना चाहिए। यदि आपके रोल मॉडल नहीं है तो इसका मतलब आप घूमते रहो। आपका रोल मॉडल कम से कम एक तो होना ही चाहिए। रोल मॉडल का इनडायरेक्टली रूप से बोलो तो आपका कोई गुरु, जिसके जैसा आप भी बनना चाहते हैं, उसके जैसा आप दिखना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं, उसके जैसा नेम फेम पाना चाहते हैं, उसके जैसे शख्सियत के रूप में अपने आप को पहचान बनाना चाहते हैं, तो ही आर शी विल बी योर रोल मॉडल। एंड इफ यू डोंट हैव सच टाइप ऑफ रोल मॉडल, देन जस्ट फाइंड आउट। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं हजारों की संख्या में, जिन्होंने जिंदगी में जन्म तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में लिया था, लेकिन आज एक महान व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने है या नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके कार्य के कारण आज भी वो लोगों के दिमाग में जिंदा है। तो देखो कि ऐसा कौन व्यक्ति जिसने आपको प्रभावित कर रहा है, कर रहे हैं। यदि थे तो उनको अपना रोल मॉडल देखो और उनके बारे में सोचो कि उन्होंने सब कुछ कैसे किया, आपके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन करो। वो भी साधारण व्यक्ति, लेकिन साधारण से असाधारण बनता है व्यक्ति अपने विचारों के कारण, मेहनत के कारण, अपनी क्वालिटी के कारण। फिर होता है बच्चा, ये सब लोग है ना, एक और चीज होती है टीपीएसए, इन लोगों के पास एक टारगेट होता है, और टारगेट अपनी पसंद का होता है। फिर टारगेट के अकॉर्डिंग ये प्लान करते हैं, क्या करते हैं, प्लानिंग, और प्लानिंग के अनुसार एक्शन लेते हैं। और आप लोगों ने तुरंत एक्शन स्टार्ट कर दिया, आप काम पहले कर रहे हो, टारगेट क्या है पता नहीं, बस पढ़ रहे हो, लेकिन क्यों पढ़ रहे हो? हेलो, क्या बनने के लिए पढ़ रहे हो ये पता नहीं, पर बनने के लिए भी पढ़ रहे हो, तो क्यों बनने के लिए पढ़ रहे हो, वही क्यों बनना चाह रहे हो? तो सबसे पहले लोग टारगेट फिक्स करते हैं, टारगेट के अनुसार पहले काम करते हैं, और प्लान के अनुसार आप एक्शन लेते हैं, और एक्शन में लेके लेके मिस्टेक है तो उसमें करेक्शन करते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं बदलते। क्या नहीं करते? लक्ष्य नहीं बदलते, लक्ष्य नहीं बदलते, आगे जाते हैं। तो बेटा ऐसा एक सोल माइंड एंड बॉडी, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आप एक ऐसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनेंगे जो अपने जीवन को एंजॉय करोगे।
कैसे? ये आपका सोल है, माइंड एंड बॉडी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि ये तीनों एक ही दिशा में है तो आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, और ये हर किसी का नहीं होता है। ये उसी व्यक्ति के तीनों एकदम हो सकते हैं जिसका अपने बुद्धि के ऊपर नियंत्रण है, जिसका सेल्फ कंट्रोल होगा ना, उसके तीनों चीज एक दिशा में चलेगी, सोल माइंड एंड बॉडी। और इन तीनों के बीच में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है। इन्हीं को साधने में, तीनों चीजों को जिसने कंट्रोल कर लिया, इन तीनों को इकट्ठा करने का साधन शब्द में बोलूं तो अपने विचारों पर नियंत्रण करना, और जिसके विचार नियंत्रण में वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। समझ में आ रहा ना? और विचारों पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है विचार हमारे अस्थिर रहते हैं, हम क्षणिक में परिवर्तित हो जाते हैं, यहाँ बैठे बैठे रहने कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे, होता है ऐसा? तो विचारों पर नियंत्रण करने वाले सच्चा योगी है, सच्चा साधु है, सच्चा सक्सेसफुल व्यक्ति है, तभी जाकर ये तीनों एक ही में काम करेंगे। तो इन पे बहुत बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, हम कभी और डिस्कस करेंगे। 3D शॉर्ट में मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 3D आप डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, जो भी पाना चाहते हो वो चीज पाके रहूंगा, भले दुनिया कोई भी कुछ कर रही है, ऐसा नहीं कि किसी को देखा कि यार ये तो ये कर रहा तो मैं भी ये कर रहा, इनको देखा कि ये ऐसा कर रहे तो मैं भी तो ऐसा स्थिर हो जाता। 3D तो डिटर्मिनेशन। दूसरी चीज होती है डिसिप्लिन, उस जो आपने दृढ़ संकल्प लिया है उसके लिए फिर अनुशासन में भी रहना। अनुशासन मतलब उसके नियम, उस चीज को पाने के लिए क्या नियम है, उन नियम को फॉलो करना, भले दुनिया सब कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आपको IAS बनना, तो IAS बनने के लिए आपको पता है निश्चित कर लेना IAS बनूंगा, लेकिन उसके लिए क्या डिसिप्लिन, IAS बनने के लिए क्या उसका एक रूल रेगुलेशन है, कैसे मैं बन पाऊंगा, उस चीज को फॉलो करो। और तीसरी चीज है डिवोशन, डेडिकेशन, समर्पण। आपको बड़ी चीजें तभी मिल सकती जब आप समर्पित हो, उस चीज के लिए अपना सर्वस्व दान करें या त्याग करने के रेडी हो। अपने आप को व्हाइट कलर की तरह बनाना पड़ेगा, जो किसी भी कलर में जाकर अपने आप को खो देता है, मिक्स हो जाता है, तो उस कलर का रूप ले लेता है। तो आप अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन छोड़कर फिर उस काम में आपको आनंद लेना पड़ेगा, तब जाकर आप डिवोटेड हो पाओगे, डेडिकेटेड हो पाओगे। डेडिकेशन की परिभाषा यही है। तो 3D मींस डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, दृढ़ संकल्पित, अनुशासित और समर्पित, ये चीज चाहिए। USP यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन या पॉइंट भी बोलते हैं कुछ लोग। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष करने की एक क्वालिटी होती है, बस जिसने जान लिया वो कर दे, जो नहीं जान पाया वो साधारण इंसान की तरह कुछ खा पी के थोड़ा बहुत जीवन जी के थोड़ा बहुत बन के और इसी को जीवन समझ के चला जाए। ये क्वालिटी आपको खुद जानना होगी, USP यूनिक सेलिंग पॉइंट। स्वॉट एनालिसिस का मैंने बताया कि आपका जो एज है, स्ट्रेंथ है, वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएगी, और आपकी जो कमजोरी है ये थ्रेट्स लेके आएगी। तो अपनी कमियों को निकालो तो आपकी जिंदगी में खतरे कम होंगे, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ तो अवसर ऑटोमेटिकली मिलेंगे। जिस क्षेत्र देखो आपको लगता ना यार इसको तो जॉब लग गई, मेरी क्यों नहीं लगी, उसकी क्वालिटी थी, उस क्षेत्र उसके अंदर वो स्ट्रेंथ थी इसलिए उसकी जॉब लगी। जैसे मेरे को मैथ्स में 10 नंबर का ग्रेस है, आउट ऑफ 100 आई गॉट ओनली 23 मार्क्स, और आज भी मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ, आज भी मेरी ताकत ही नहीं थी, और इंग्लिश में मैं कमजोर रहा, लेकिन मेरी ताकत थी, मुझे कहने की हिडन वो थी क्षमता, उसको जाना, उसको मेहनत की और सक्सेसफुल हो गए। तो क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद होता है बेटा 3H। जब तक आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपके हेड और हैंड्स के बीच में हार्ट का लगना बहुत जरूरी है। जिस काम में मन नहीं लग सकता आप उस काम में बहुत बड़े स्तर पर नहीं जा सकते, मन का लगना बहुत जरूरी है। ये सेम थ्योरी यहाँ पर 3H के रूप में आ गई है कि भाई ये मन का होना बहुत जरूरी है, माइंड और बॉडी के बीच में। शरीर तो काम करेगा माइंड, और लेकिन मन का लगना बहुत जरूरी, इसलिए बोलते हैं मन से काम कर, मन करके पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के काम करो। तो मन क्यों, मन नहीं लगेगा तो कुछ काम आपके लिए बोझ हो जाएगा, मन लगना बहुत जरूरी है। और मन किस काम में लग सकता है, जिस काम को तुम सच में पसंद करते हो, जो आपकी रुचि का, और डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई काम जरूर होगा जिसमें तुम्हारी रुचि 10 घंटे के बजाय 12 घंटा काम करने की होगी। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ फील्ड ऐसी रहती है जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, और फिर वहां उसके लिए टाइमिंग का कोई मायना नहीं रखता। कोई काम होते हैं ऐसे
जिसमें आप अपने आप को इतना समर्पित कर देते कि आपके समय ही कुछ नहीं मतलब रखता है, आप कितने समय दे तो कम ही पड़ेगा, वो होता है आपका इंटरेस्टिंग फील्ड में काम करना, वो आपका इंटरेस्ट वाला क्षेत्र। और यदि उस क्षेत्र में जाकर आप काम को चुनते हैं तो आप बहुत बड़े स्तर पर जा सकते हैं। और 3R TTA, जब तक ये 3R TTA नहीं रहेगा ना, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बच्चा ध्यान रखिएगा, राइट टारगेट, राइट टाइमिंग और राइट एक्शन। आपके पास सही टारगेट होना चाहिए आपकी क्षमता के अनुसार, जो आप कर सकते हो, जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता देखेंगे, आप अपने आप का मूल्यांकन करोगे कि कौन सी चीज ऐसी है जो वास्तविक में मैं करने की क्षमता रखता हूँ, फिर उसके अनुसार टारगेट डिसाइड करोगे। दूसरी चीज, हर चीज का समय होता है, इसलिए बोलता हूँ जब समय होता तब समझ नहीं होती, और जब समझ होती तब समय नहीं होता। मरे हुए को आप दुनिया की कोई सी भी दवा दे दो जिंदा नहीं हो सकता, समझ पा रहा? एक समय है, वो समय नहीं, समय निकल जाने वाला, भले कितने प्रयास करो, आज मैं IAS के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूं तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूं। तो हर चीज का समय है, वो समय निकलने के बाद आप कुछ में एंट्री नहीं मार सकते, क्योंकि आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जहां आपका टाइम खत्म हो गया। तो राइट टारगेट के साथ साथ राइट टाइमिंग पे उस टारगेट पे काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भले राइट टारगेट हो। और तीसरा एक्शन, एक राइट एक्शन क्या है, उसके लिए सही कार्य कैसे किया जाएगा, सही कार्य क्या होगा, उसके लिए सही एक्शन क्या होगी, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तब जाकर हमारे ये बहुत सारी चीजें जो आज मैंने आपको कोई ऐसी स्किल वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने में, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है केवल, ये सारी आपका 66% को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ये चीजें, समझ पा रहा? तो इन चीजों पर जब आप फोकस करेंगे हाँ, तो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करेगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने जो बातें बताई, इनमें जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते, आई विल हेल्प यू, आई विल आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, व्हाट एवर द क्वेश्चंस यू आर हैविंग। यस प्लीज, शी हैज रेज्ड हर हैंड। यस सर, यूएस यूनिक सेलिंग पॉइंट, हर इंसान में कुछ न कुछ एक विशेष गुण होता है, और उस गुण को जान लेना और उस गुण पे काम करना और उस गुण की सहायता से जिंदगी में सफल होना, समझ में आ रहा? वही आपकी यूएसपी, आपके हर व्यक्ति का मतलब आपका स्पेशल फीचर। जैसे कोई मुझसे बोले आप क्या कर सकते हो, मैं बोलूंगा मैं पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी यूएसपी होगी। अमिताभ से कोई बोले आपकी यूएसपी क्या था, एक्टिंग। विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर से कोई बोलेगा तो उसकी यूएसपी हो गई क्रिकेट, समझ पा रहा ना? जॉनी लीवर से कोई उसकी यूएसपी पूछेगा तो वो हो गया उसका कॉमेडी, क्लियर है? तो हर इंसान का, मुकेश अंबानी से कोई पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मेरी यूएसपी हो गई बिजनेस करना। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ उसकी खासियत होती है, यदि वो खासियत को आपने जान लिया तो आपको यूनिक बना देगी, भीड़ से आगे लेके जाएगी, और वो तुम्हें खुद ही जानना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं बता सकता। इसीलिए मैंने बोला था सेल्फ एनालिसिस, खुद को जानो, नो दाय सेल्फ, खुद को जानो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये सब खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इम्प्रूव तो वो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। व्हाट द पॉइंट, यस एनीबॉडी एल्स, और कोई व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ पॉइंट, सॉल्व। क्या होता है जिंदगी में सफल होने के लिए, आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, बैलेंस्ड लाइफ, एक संतुष्ट लाइफ जीना चाहते हैं, तो संतुष्ट दुनिया में केवल वही रह सकता है, और वो महान भी बनेगा, भले वो साधारण जीवन जिए, लेकिन वो एक ऐसा होगा जो दुनिया में उन सब लोगों से ऊपर रहेगा, जो भले जिनके पास सब कुछ है लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास सुकून नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति के पास सुकून भी रहेगा, जिसकी आत्मा मस्तिष्क और शरीर तीनों के बीच में बैलेंस है, वही बेस्ट लाइफ जी पाए। बाकी के सब में कुछ न कुछ अस्थिरता बनी रहेगी, परेशान रहेगी, लेकिन शांति का एक ही कि तीनों के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, समझ में आना? बगैर उसके पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको डिस्कस करेंगे, समझ में आना? और इसका कुछ क्षण में बता सकता हूँ, यहाँ कहने के मैंने आपको बोला था ना 3H, यदि आपने अपना इंटरेस्ट वाला अपना मन पसंद कार्य चुना
हर काम को करने पर बेटा सक्सेस मिलती है, मैं आपको बता दूं, हर काम को करने पर पैसा मिलता, पहचान मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन बस उस काम को चुन लेना, उसको समझना ही आपके ऊपर निर्भर है। उसमें उदाहरण बोलो, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे, आइकॉन बन जाओगे लोगों के लिए। तो ये तीनों के बीच में कॉम्बिनेशन मतलब बैलेंस लाइफ। यस, एनीबॉडी एल्स? सर एक क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उधर का वर्क हमें पूरा नहीं पता कि क्या वर्क है क्या नहीं है, तो सर वहाँ हम लोग अपने पेशन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं जैसे हमको लगता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्कोप है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ सर हमारा वाय क्या होना चाहिए उस समय? इनका क्वेश्चन है कि हम जिस गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं हमें पता नहीं कि वहाँ और क्या क्या वर्क होगा, है ना, हम जाते हैं हमारे पैशन के अनुसार, ठीक है ना, एम आई राइट? गुड। एक्चुअली क्या होता है, आपको ये तो पता है कि आप अपनी जो जॉब जिस जॉब में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस जॉब में आपको ये पहले से पता है कि मैं जिसमें अप्लाई कर रहा हूँ वो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, है ना, मतलब जॉब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं ये तो आपको पता ही है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब की हालत के बारे में बताऊं, आजकल आप जॉब करने जा रहे हो मतलब खुद के मालिक नहीं हो, कहीं पे भी करो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मैं आपको बता रहा हूं, आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आप के इंटरेस्ट के नहीं, ये आप जॉब करना चाहते हो इस चीज को मन पे रखना, आप मन का तो तभी कर पाएंगे जब आप खुद के मालिक हैं, जॉब मतलब किसी के अंडर में काम करना, समझना, तो वहां सारी आपकी पसंद से काम नहीं चलेगा, आपकी पसंद का काम करना तो फिर खुद के मालिक हो, ठीक है, क्लियर है? हाँ ये है कि आप इतना समझ ले कि मेरा सारा पसंद का काम करना, थोड़ा बहुत ऐसा भी है कि ये मुझे जॉब करने तो करना पड़ेगा, तो वो रूल से सिस्टम का हिस्सा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यस, एनी अदर, और कोई कुछ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन फ्रेंडली पूछो। नाम जी पूछिए। फ्रेंकली पूछो बेटा, जिसको जो पूछना होगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और द पॉइंट, क्योंकि ये केवल क्लास में ऐसा नहीं है, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, ये चीजें मैं आपकी लाइफ के लिए क्लास लेता हूँ, आपके करियर के लिए क्लास लेता हूँ, ये कोई सिलेबस के लिए नहीं लेता हूँ, नहीं तो कब के कवर हो जाता आपको पता है। यस, खुद को जानना, गुड, खुद को जानना सबसे डिफिकल्ट टास्क है बेचारे, क्यों, क्योंकि उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि हम खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं, हम इतनी अननेसेसरी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं कि जिससे फायदा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन व्यस्त सबसे ज्यादा रहेंगे। आजकल एक वर्ड चलता है, सेंटेंस सुना होगा, समय ही नहीं है, सुना होगा ना, टाइम ही नहीं है। अब आप लोग तो इतना बड़ा कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास भी टाइम नहीं है, बच्चों के पास भी, चलो हम तो और भी वर्किंग लाइफ में थोड़ा टाइम का शॉर्टेज हो सकता है, लेकिन आपके पास भी टाइम नहीं है, टाइमिंग नहीं है, तो फिर आप इतने घंटे सोशल मीडिया पे कैसे दे पाते हो, ये बहुत सारी चीजें। तो देखो बेटा, खुद को जानना, इसका सिंपल सा मतलब, अपने हाथ में कॉपी लो, नोटबुक मतलब एक पेन लो, एकांत में बैठो कहीं और अपने आप से प्रश्न करना शुरू करो कि भाई मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में मेरी खुद से मेरे से क्या आशाएं, ऐसी कौन सी चीज जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसी कौन कौन सी चीज है जो मुझे करना नहीं है, ऐसी कौन कौन सी चीज जो मुझे जिस पर मेरी कमांड नहीं लेकिन करना जरूरी है, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स क्वालिटीज है जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और जिनको इम्प्रूव करने पर मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिसको भले पूरी दुनिया के लोग एक्सेप्ट करें लेकिन वो गलत है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, भले बाकी के लोग फैशन के तौर पर बहुत सारी चीजें गलत है लेकिन लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हम नहीं करेंगे, समझ में, क्या मुझे भी एक लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं भी लोगों के लिए उदाहरण बन जाऊँ, ऐसे कौन से क्षेत्र है जिसमें मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कौन सा कार्य करूंगी जिसके कारण मेरे पेरेंट्स को, मेरे क्षेत्र को, मेरे देश को, लोगों को गर्व हो, जिन लोगों ने महान कार्य किया उनमें और हमें क्या डिफरेंस था,
वो भी हमारी तरह इंसान थे, तो जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब ऐसे खुद से क्वेश्चन करना शुरू करोगे धीरे धीरे, तो आपके अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग डेवलप होगी, फिर आप इस चीज में इन्वॉल्व होते जाएंगे, और जितना इन चीजों में इन्वॉल्व होगे आप में उतनी बेहतर क्वालिटी होगी, जो कि स्कूल कॉलेज में आपको कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। ये चीज कोई पढ़ाता नहीं, और पढ़ा भी दिया तो भी समझ में नहीं आएगी, ये खुद को इम्प्रूव करना पड़ती है। इसका प्रश्न भी खुद ही से होगा और उत्तर भी खुद ही से होगा। आप इसके प्रश्न देने वाले आप ही अपना गुरु होंगे, आप ही अपना शिष्य बन जाएंगे, तो ये खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? और कोई प्रश्न? लिखते जा रहे क्वेश्चन बनाओ कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मुझे क्या ऐसी चीज जो करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करता, ऐसी कौन सी चीज जो मुझे नहीं करना चाहिए फिर भी मैं करता हूँ। जैसे सोशल मीडिया, हम सबको बताऊं तो नहीं चलाना चाहिए ज्यादा समय लेकिन हम चलाते हैं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन हम करते हैं, ऐसी कौन सी चीज जो हमें करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं करते। जैसे हमें पता है सबको सुबह से एक्सरसाइज करना चाहिए लेकिन नहीं करते जबकि करना चाहिए, हम सबको पता दो बार ब्रश करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते लेकिन करना चाहिए, सही है कि नहीं? हम सबको पता है कि हमें एक से दो घंटे या मतलब एक घंटा हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, महान लोगों की जीवनियां पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ना चाहिए जिन्होंने जीवन में परिवर्तन लाए, दूसरों के खुद के, या जो शून्य से शिखर तक पहुंचे, पढ़ना चाहिए लेकिन नहीं पढ़ते। क्लियर है ना? तो हम सबको पता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी पढ़ते। तो क्या है ऐसी कौन सी चीज जो मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं करता हूँ, ऐसी कौन सी चीज जो मुझे करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करता हूँ? दो प्रश्न बने। तो इस तरह जब आप खुद से क्वेश्चन बनाते जाएंगे, हाँ सही है ना, क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ इतना ही पर्याप्त है पढ़ने के लिए, इसके अलावा क्या मैं अतिरिक्त नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सब बच्चों को आपको पता है दुनिया में कैसा बहुत महत्वपूर्ण है, सब जानते हैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए। अरे यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, इनसे बहुत ज्यादा ज्यादा जानकारी, पैसे से पैसा कैसे बनता, पैसे कैसे कमाया जाता, पैसा कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये तो तुम सब ओवरऑल जाके पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया इसलिए कर रही है, तो क्यों ना उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। हो सकता आपसे कम कम उम्र के लोग करोड़पति बन गए बच्चों, अब ये स्कूल कॉलेज में तुम्हें कोई नहीं सिखा रहा तो खुद सीख जाओ। एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी कैसे आती, एक अच्छे वक्ता कैसे बनना चाहिए हमें, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करें, तो यही तो चीजें जो 66% जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। मेरा ये कल बाहर आ रहा था, अभी भी है, देख रहा है ना मोटा हो रहा ना बहुत ज्यादा, ये तो लूज शर्ट पहना, अब टमी बाहर आ रहा, मैंने सोचा भाई नहीं अब ज्यादा बाहर आ रहा मुझे बुरा लगने लगा, तो अब नियम बना लिया 5:30 बजे उठना है, उठना पेगा, वॉक करना है, फिक्स क्यों किया? क्योंकि ठीक लगे, अच्छा लगे, अच्छा बोल रहे शरीर को और बेकार कर देंगे बेकार लगेगा, तो अपने आप को बेहतर। तो अब ये मेरे को किसी ने नहीं बोला, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसा कर लो वैसा कर लो लेकिन नहीं करते थे, लेकिन जब खुद ने देखा कि नहीं ऐसा गलत हो रहा है तो आई स्टार्टेड, किसी ने नहीं बोला। तो क्या है आपको कुछ लग रहा है कि गलत है तो कुछ सही करो, किसी और के कहने पर सही मत करो, और यदि आपको ऐसा लग रहा सही है और लोग उसको गलत बोले तो मत मानो। समझ में आ रहा ना? क्योंकि हो सकता है लोगों की तो अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जो तुम सही, जब सही है तो सही है, जब सही वास्तविक में सही है तो फिर क्यों हम उसको चेंज करें? हो सकता है लोगों की सुविधा के अनुसार उसको चेंज करवाना चाह रहे हो, तो ये चीजें आपको सीखना होगा बेटा, और ये खुद से, और जैसे जैसे इसे बोलते प्रैक्टिकल नॉलेज, खुद को डेवलप करना, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता, बस आपके अंदर सीखने की इच्छा होना चाहिए, सीखो। ये प्रकृति सिखाने के लिए तैयार है, मार्केट सिखाने के लिए तैयार है, लोग सिखाने के लिए तैयार है, लोगों को ध्यान से देखो, चीजों को देखो, प्रकृति को देखो, पेड़ पौधे को देखो, सब कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आपके अंदर सीखने का एंगल होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, वही आपका एटीट्यूड बनाएगा। किसी चीज को देखने का आपका नजरिया क्या है, व्हाट इज योर एंगल ऑफ सीइंग समथिंग, अंडरस्टैंडिंग, किसी को समझने का आपका नजरिया क्या, एंगल क्या है, उसी से आपकी लाइफ डिसाइड होगी। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं?